दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजन में। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो वो ज़रूर ये वीडियो देखना और सिविल इंजीनियर भी देखो। आज मैं पहले आपको एक गलती बताने वाला हूँ, क्या गलती की जाती है ब्रिक यूज़ करने में, और दूसरी डबल ए सी ब्लॉक या जिसको हम फ्लाई ऐश ब्लॉक बोलते हैं वो यूज़ करते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या कब यूज़ उसको करना चाहिए। काफ़ी कमेंट आते हैं, सर डबल एसी ब्लॉक नहीं अच्छा होता है, आप अच्छा बोलते हो लेकिन कुछ केसेस होते हैं वहाँ हम उसे यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। कौन सी कंपनी का डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ईंट दिखाता हूँ आपको। ये सामने जो ईंट देख रहे हो ये मैंने सिर्फ 100 mm से नीचे गिराई, ये टूट गई। ऐसी ईंट अगर आपको मिलती है, ये सस्ते में मिल जाएगी, 3 से 4 रुपए में ऐसी ईंट मिल जाएगी, आपको कभी भी ऐसी ईंट अपने घर में यूज़ नहीं करनी। ये तो सस्ती होगी लेकिन ये पकी नहीं होगी, जब पानी इसको लगेगा ये पिघल जाएगी, सेटलमेंट होगा, क्रैक होगा। ऐसी ईंट आपको अपने घर में कभी यूज़ नहीं करनी है। सबसे बेकार ईंट हम जिसको बोलेंगे थर्ड क्लास ब्रिक, वो ये ब्रिक है। आपको ऐसी कभी नहीं यूज़ करनी है, थोड़ी कॉस्टली रहेगी। जो अच्छी ब्रिक रहेगी वो आपकी 6 से 7 रुपए में पड़ेगी, लेकिन वो अच्छी ब्रिक रहेगी, उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और वो अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ब्रिक निकलती है इलेक्ट्रिक भट्ठे से, एक जो फायर से पकाई जाती है। तो ये जो सामने आप दूसरी, अभी ये सामने जो ब्रिक देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक भट्ठे से ब्रिक बनी हुई है। ऐसी ब्रिक ही आपको यूज़ करनी है, मोस्टली इलेक्ट्रिक भट्ठे से ब्रिक निकली होती है जो अच्छे से पकी होती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक से चारों तरफ पकाया जाता है। लेकिन जो फायर से पकाते हैं, जो अंदर अंदर की ब्रिक रहेंगी वो जल जाएंगी, बीच की ब्रिक अच्छे से पकेंगी और बाहर की ब्रिक जो होंगी वो बिल्कुल कच्ची रहेंगी। जो आप स्टार्टिंग में वीडियो में देखी वो बाहर की ब्रिक थी, वो आपको सस्ते में तो मिलेंगी लेकिन वो अच्छी नहीं होंगी। तो ये हो गया ब्रिक पे हमारा थोड़ा। अभी हम चलते हैं डबल एसी ब्लॉक पे। तो डबल एसी ब्लॉक पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मैंने वीडियो डाली थी कि आपको फ्लाई ऐश यूज़ करना चाहिए या डबल एसी या लाल ब्रिक, तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, डबल एसी ब्लॉक नहीं यूज़ करना चाहिए। अरे भाई बने किसके लिए डबल एसी ब्लॉक, यूज़ करने के लिए बने, लेकिन कुछ चीज़ें देख के आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, डबल एसी ब्लॉक वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है जहाँ मॉइस्चर हो, यहाँ पानी लगता हो। हमेशा क्या होता है, जहाँ पानी लगता है डबल एसी ब्लॉक की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो पानी को जब भी सोखता है ना वो एक्सपेंड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, और जब वो ड्राई होता है पानी उसमें से सूख जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसकी वजह से मोस्टली क्रैक आपके डबल एसी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। तो ऐसी जगह पे आपको कभी यूज़ नहीं करने हैं डबल एसी ब्लॉक। तभी मैं बोला था कि सेकंड स्टोरी होती है, जो सिंगल स्टोरी का घर है तो लाल ब्रिक या फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करो, लेकिन सेकंड स्टोरी का घर है वहाँ आप डबल एसी ब्लॉक आराम से यूज़ कर सकते हो। इस पर मैं वीडियो ज़रूर लाने वाला हूँ, तीनों का कंपेरिजन करूँगा, वो वीडियो 20 मिनट की रहेगी, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या चीज़ें ध्यान रखनी है सब होंगी। लेकिन आज मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डबल एसी ब्लॉक का। और जब भी आप डबल एसी ब्लॉक यूज़ करो तो जो कंक्रीट यूज़ करोगे वो प्रॉपर से कंक्रीट नहीं, मोटार जो यूज़ करोगे मसाला वो अच्छा यूज़ करना है, 1:4 या 1:6 का आपको करना है, 1:8 का करते हो और वो वहाँ क्रैक खा जाता है। और प्लास्टर से पहले आपको जहाँ भी जॉइंट होगे वहाँ चिकन मैस यूज़ करनी है, तो क्रैक के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं इसको, ये लोड बेयरिंग है कि नहीं है। हाँ जी लोड बेयरिंग है, ये अच्छे से लोड कैरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक, लेकिन थोड़ा ब्रिटल होता है, अगर थोड़ा भी क्रैक होगा इसमें तो ये टूट जाएगा। और हमें क्रैक का कैसे पता चलेगा, क्रैक का आपको पता कैसे चलना है, आपको जो भी डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है वो ओल्ड पुराना होना चाहिए, मतलब जो डबल एसी ब्लॉक विदिन 15 से 20 दिन पहले बना होगा उसको कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें वही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें क्रैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टार्टिंग में। तो आपको ऐसा यूज़ करना है जो पुराना हो। और कंपनी अगर मैं बात करूं तो आपके एरिया में पता कर लेना, आपको अगर सिपोरेक्स या अल्ट्राटेक का डबल एसी ब्लॉक मिलता है तो आपको वो यूज़ करोगे तो वो अच्छी क्वालिटी का रहता है। बाकी इस पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल कौन सा होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, उसमें मैंने डबल एसी ब्लॉक की कंपनीज़ के बारे में बताया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें पूरा मैंने डिटेल दिया हुआ है। तो ये वीडियो था ब्रिक की, ब्रिक कैसी ख़राब ब्रिक होती है और डबल एसी ब्लॉक ख़राब है या सही है, ये तो आज थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन इसमें मैं जो वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट तीनों का कंपैरिजन वाला वो मस्ट देखना, उसमें अच्छे से मैं सब क्लियर आपको करूंगा। थैंक यू गाइस।